Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa tashreef rakhein, Moses membran tashreef rakhein. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janab Speaker, main sabse pehle apne allies ko, apni party ko, sab members ko, main inka aaj inko khiraj tahseen pesh karta hu aur inka shukriya ada karta hu ki inhone aaj ek badi important hamare liye aaj din tha aur inhone ye sabit kiya hai ki ye Pakistan ke sath khade hue hain. मैं स्पीकर साहब फैटफ के बिल से पहले, क्योंकि बड़ा करंट टॉपिक है जो एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूं कि हमने तब से जब से ये हादसा हुआ हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है. ये जो रेप है इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है उसमें उनकी भी जिंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज भी सफर करती हैं. और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है. तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम तीन टेयर इसके ऊपर काम करें. नंबर वन तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें यह बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं. जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है जो आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है और फिर से जो भी उसको सजा दी थी जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी क्योंकि उसने फिर से किया. और ये तो रिपोर्ट हुआ है सेकंड टाइम, बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है. और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है. चाइल्ड अब्यूज में भी जिधर बच्चों से जुल्म होता है और ये रेप केसेस में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के ट्रॉमा और सदमा से गुजरते हैं बच्चे भी और जो खातीन भी. तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. सो इंशाल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे. और उसमें सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि जो हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें और इंशाल्लाह एक तो पकड़ गए दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह का जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके वो बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे. दूसरा जी, मैं ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग,
देखिए जी, फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमने हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीजें, जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। तो एक कौम निकल रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका GDP नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे, तो अगर हमारे पे ये, अगर हम उसी तरह का हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता तो आज पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात होने थे। तो अल्लाह का करम है, उन हालात से निकले, आज हमारी इकोनॉमी पिक कर रही है और हम दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो, क्योंकि उनको फिक्र हो, देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं, ये पब्लिक के मफादात की हिफाजत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट का एक खास रुतबा है दुनिया में, रुतबा इसलिए है कि हम आवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं, इसलिए हमारे पास हमें एक स्टेटस मिलता है, इसलिए हमारे कई जगह हमें VIPs की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो जिस तरह पाकिस्तान निकला है, और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है दुनिया को कि पाकिस्तान से सीखो, जिस तरह पाकिस्तान निकला है कि हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान से आप देखें तो उनके तो केसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो हमने तो, हमारे तो केसेस भी हमारे कंट्रोल हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारे अस्पताल प्रेशर में नहीं है, केसेस भी नीचे जा रहे हैं, और हमने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए आज। वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे, 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है, मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मरे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो, तो वो करते इतनी यानी
जब तनकीद की थी तो अगर अल्लाह ने करम किया तो इनको फिर थोड़ी सी तो तारीफ कर देनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनका, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं, इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो है नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैकलिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, उनको बड़ा जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، जी प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग, सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज तरीके से बनाते हैं तो जरूरी यह होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नजर आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बाहर, लंदन में, अभी बल्कि अभी मैं एक
यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाजा लगाया जाता है कि 1,000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से अमीर मुल्कों में जाता है। इसी तरह ये मेफेयर के फ्लैट्स और ये सबसे महंगे इलाकों में, इस तरह की और भी गरीब मुल्कों का पैसा जाता है बाहर। और ये असल वजह है कि तीसरी दुनिया जो डेवलपिंग वर्ल्ड नीचे जा रही है, क्योंकि वो पैसा अगर उसी मुल्क में खर्च हो तो उसे नौकरियां मिल सकती हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल्स बना ले, अस्पताल बना सकते हैं। वो जब पैसा बाहर चला जाता है तो बाहर तो उनके लिए नौकरियां मिल जाती हैं और वो उधर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है और उनकी दौलत भी बढ़ जाती है और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में वो एक तो वो पैसा बाहर चला जाता है, दूसरा ये डॉलर्स लेके पैसा बाहर भेजते हैं। ये जो टीटी का सारा केस है, ये है क्या? यहां से हवाला हुंडी से पैसा बाहर भेजा, जिसकी जरूरत पड़ी वो टीटी से मंगवा ली और उन्होंने कहा जी के नो क्वेश्चंस आस्क्ड क्योंकि हमें रिमिटेंसेस आई हैं। ये पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस मुल्क में जो अगर हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जो मैं कह बैठा हूं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है महंगाई आ जाती है, गुर्बत बढ़ती है। तो जब आप अपने डॉलर्स यहां से डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो वो दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मुल्क को, कि डॉलर्स की जब कमी होती है तो रुपए पे प्रेशर पड़ता है। अब इसके ऊपर आखिर में ये जाके फंस गए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? और अफसोस ये है कि इसके ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा सारा हमारे टाइम भी जाया हुआ, ये सारा इधर तक पहुंचे। और फिर से मैं यहां अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आ जाए और आपका जो जज्बा और आप बैठे और इतनी देर तक आपने पूरी सब्र से काम लिया। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम ये लेजिस्लेशन पास करें, फैटफ के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क को, अगर हमें जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, ये देख लें कि हमने IMF से जो कर्जा लिया है वो 6 अरब डॉलर का लिया है और उसकी हमें सारी कंडीशन बांधनी पड़ती है। तो ये सोच लें कि 10 अरब डॉलर की अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग ही रोक लें तो हमें कर्जे लेने ही ना पड़ता IMF से, क्योंकि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम थे। इसलिए स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इस मुल्क की फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि जो हमारी रूलिंग एलीट, जो हमारे साहिब इक्तदार रहे हैं, वो साहिब इक्तदार जब ये पैसा बाहर जा रहा था, किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की, किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया। मैंने इन्होंने मुझे अदालत में, जब मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके ये अदालत में मुझे लेके गए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि मेरा तो फ्लैट 2002 का डिक्लेयर था, लेकिन 2016 में इसलिए लेके गए क्योंकि मैंने इनका पैनामा का केस उठाया हुआ था। तो पैनामा का जब केस उठाया था उसमें फिर मुझे प्रेशराइज करने के लिए अदालत में ले गए। तो स्पीकर साहब, अगर मैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, एक्सपोर्ट्समैन था, मैं अगर 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकता हूं, मैं अपनी सारी मनी ट्रेल दे सकता हूं पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि पैसा बाहर कैसे गया? ये बता सकते हैं कि हाइड पार्क, वन हाइड पार्क, क्योंकि मैं लंदन, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है, वन हाइड पार्क लंदन का तकरीबन सबसे महंगा प्रॉपर्टी है। मेफेयर लंदन, मेफेयर दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है। उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? यह कोई डॉक्यूमेंट बता दे कि पैसा बाहर किधर गया? दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, अपने नाम पे नहीं लिए हुए,
एक न्यूयॉर्क में फ्लैट गलती से अपने नाम पे ले लिया जो एक केस चल रहा है, बाकी तो अपने नाम पे नहीं, ये किधर से पैसा आया? तो जब एक मुल्क की जो सरबरा जब वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और डॉलर्स में बाहर लेके जाते हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज है, वो यहां से कन्वर्ट करते हैं रुपए को डॉलर में बाहर ले जाते हैं, तो जब वो लेके जाते हैं वो दो चीजें उनको करनी पड़ती है। पाकिस्तान के इदारे पहले तबाह करते हैं, पहले नैब में इन्होंने मिलकर अपना आदमी रखवाया, वो जो नैब चेयरमैन था इन्होंने केसेस इनके बंद किए, हुदायबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इसहाक डार की बकायदा सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने बैंक अकाउंट्स दिए हैं कि जिधर जिधर यहां से पैसा बाहर गया, नाम दिए हुए हैं उसने, ओपन एंड शट केस, इनका अपना आदमी नैब में बैठा हुआ था, उसने वो आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इन्होंने ये जो 10 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं, 60 साल की तारीख में टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था, 10 सालों में पहुंच गया 30 हजार अरब। हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है, जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके कर्जों की किस्तें अदा करने पे, मुल्क किधर से चलाते हैं? फिर हमें कहते जी आप कर्जे ले रहे हैं, अगर हम कर्जे ना लें तो हम मुल्क कैसे चलाएं, आधा तो जो पैसा इकट्ठा किया उनकी कर्जों की किस्तों पर चला गया। अब जो हमने अब कोरोना की वजह से कम कलेक्शन हुई, फिर हमारा 1000 अरब कम हुआ, तो 4000 अरब अब जो इकट्ठा किया ये सेकंड ईयर में, उसमें से 2600 अरब वो चला जाएगा कर्जों की किस्तों देने पे। तो स्पीकर साहब बात ये है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल में इस मुल्क को बोझ डाल दिया, इसका मुल्क का जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और आप जब बात करें करप्शन की तो कहते हैं पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, कभी कहते हैं कि जी ये ब्लैकमेल इधर कर रहे हैं, कभी पहले इन्होंने ब्लैकमेल उस पर, पहले हमें कहा जी पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं बताएं हमें कौन सी, उसके बाद बात ही नहीं की, असेंबली ना चलने दें, तकरीर ना करने दें, ये तो आज वो है नहीं तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट को की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं, इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए, इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जो जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे, मुझे तो पता है ये जिस तरह आप जो देख रहे हैं इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब दे, जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए जमहूरियत के लिए हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं, ये जो पीएमडीसी का बिल पास किया ये बहुत जरूरी था। स्पीकर साहब बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी, इसके लिए बड़ा जरूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो अब बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से, मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया, और इंशाल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया।